और देखिए कुर्स्क हमले पर पहली बार जेलेंस्की की ओर से कुछ कहा गया है, बहुत महत्वपूर्ण आपके लिए समझना कि इसके मायने क्या है और क्या कुछ कहा गया है। देखिए डिटेल्स आपके सामने है। पहली बार बोले जेलेंस्की, कुर्स्क में जो हमला हुआ है, हमले का मकसद रूस को आगे बढ़ने से रोकना है, रूसी बॉर्डर पर हम बफर जोन बनाना चाहते थे। और देखिए इसके अलावा क्या कहा गया, फ्रंट लाइन पर रूसी हमलों को रोकने के लिए बफर जोन बनाना बहुत जरूरी है, रूसी इलाके में सैन्य ठिकाने इस वक्त हमारा पहला टारगेट है, हम रूस को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचाएंगे, ये भी उनकी तरफ से साफ कर दिया गया। और देखिए महेश सचदेवा सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि क्या ये जो स्ट्रेटेजी है वो इस लिहाज से भी आपको जेलेंस्की की बहुत इंपॉर्टेंट लगती है, क्योंकि अगर कभी भी बातचीत की टेबल पर आते हैं तो एक बैलेंस क्रिएट कर दिया गया कि आपने हमारे इलाकों पर कब्जा किया और देखिए हम कहां आपके इलाके के अंदर कुर्स्क में जाकर घुसकर बैठ गए। इसमें काफी कुछ लक्ष्य हो सकता है। पहली बात तो ये कहना चाहूँगा कि 3 महीने से भी कम में अमेरिका में चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें कि ट्रंप साहब का ये कहना है कि वो जैसे ही सत्ता में आते हैं वो कुछ ही दिनों में ये लड़ाई बंद करा देंगे, उनकी ये क्षमता है। तो अगर उसके उस समय में अगर आपस में बातचीत करनी होती है तो ये लेन देन की जो आपने जिक्र किया वो काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तब तक अगर ये इलाका होल्ड कर पाएंगे तो इनका पत्ता, इनके हाथ में कुछ पत्ते भारी होंगे। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगा कि कल वॉशिंगटन पोस्ट में शनिवार को ये आइटम छपा है कि कतर में दोनों देश यूक्रेन और रूस के बीच में वार्तालाप होने जा रहा है, जिसमें कि एक दूसरे के एनर्जी और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक न करने के बारे में कुछ समझौते की बातें कही गई हैं। मॉस्को ने इसको डिनाई किया है, मना किया है कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन इसके बारे में कुछ संशय है और यूक्रेन का कोई इसमें जवाब नहीं आया है। तो अगर ऐसा होता है तो एक तरह से इस कुर्स के हमले के बाद कुछ लचीलापन आपस में दिखने लगता है। तो इन सब वजह से ऐसा लगता है कि ये एक मनोवैज्ञानिक जंग लड़ी जा रही है, साइकोलॉजिकल, और इसको जीतने के लिए चाहे अंतिम परिणाम जो भी हो हर संभव कोशिश करते हुए दोनों ही तरफ के जो खेमे हैं वो नजर भी आ रहे हैं सर। लेकिन देखिए इस बीच यूक्रेन ने रोस्तोव पर सबसे बड़ा हमला किया है, कुर्स्क बेलगोरोद के बाद रोस्तोव पर यूक्रेन का जोरदार हमला हुआ है, ब्रियांस्क और बेलगोरोद के बाद रोस्तोव पर यूक्रेनी अटैक की खबर सामने आई है, तस्वीरें आपके हमने सामने रखी, रूसी आर्मी के ऑयल डिपो पर दरअसल यूक्रेन की ओर से हमला किया गया है। रोस्तोव इलाके के प्रोलेटार्स्क शहर में 5 ड्रोन देखे गए, ऑयल डिपो के अंदर एक साथ 3 धमाके उसके बाद सुनाई दिए, धमाके के बाद डीजल ईंधन वाले टैंक में भीषण आग लग गई। रूस का दावा है कि ड्रोन को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, ड्रोन का मलबा गिरने से ऑयल डिपो में आग लग गई, इसकी जानकारी भी साझा की गई है करुणा। और देखिए अब यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी कि आखिर क्यों बैकफुट पर है व्लादिमीर पुतिन, समझिए आप कुर्स्क अटैक क्यों बैकफुट पर आ गए हैं पुतिन। विश्व युद्ध अगर द्वितीय की बात की जाए तो उसके बाद रूस पर यह सबसे बड़ा हमला है जो उसकी टेरिटरी के अंदर बोला गया है, पहली बार यूक्रेन रूस की तरह सीमा में घुस गया है, दाखिल हो गया है। हमले पर रूसी सेना की कोई तैयारी नहीं थी, पता नहीं था, भनक नहीं थी, और देखिए प्लान तरीके से हमला कर दिया यूक्रेन ने। 2 हफ्ते में यूक्रेन को बहुत बड़ी कामयाबी मिल गई, 80 से ज्यादा गांव पर कब्जा हो गया है, रूस को अब अपनी जमीन बचानी पड़ रही है, लड़ना इसलिए पड़ रहा है, बातचीत के लिए मजबूर होना पड़ सकता है व्लादिमीर पुतिन को, यह तक अंदेशा है। रूस की संप्रभुता का सबसे बड़ा यह उल्लंघन माना जा रहा है, अपनी जनता को समझाना भी व्लादिमीर पुतिन के लिए आसान नहीं हुआ होगा कि यह हुआ तो हुआ कैसे, रूसी सेना की कमजोरी दुनिया के सामने भी एक्सपोज हो गई है, रूसी एजेंसियों की सबसे बड़ी खुफिया नाकामी इंटेलिजेंस इनपुट भी क्या नहीं इकट्ठा कर पाई कि यूक्रेन कुछ ऐसा करने वाला है। प्रतिमा जी मनीष, मैं आपका रुख करना चाहूंगी, जिस तरीके की डिटेल्स सामने आ रही है, बैकफुट पर नजर आ रहे हैं पुतिन और इंटेलिजेंस फेलियर की भी तमाम तरह की बातें कही जा रही हैं कि इतना बड़ा हमला आपकी टेरिटरी में हो जाता है आपको इसकी भनक तक नहीं लगती है, क्या कुर्स्क में जो हमला हुआ है उसके बाद वाकई इसकी कोई गुंजाइश आपको नजर आ रही है कि बातचीत के टेबल पर आएंगे दोनों देश? देखिए इसमें कोई दोराय नहीं है कि ये रूस के लिए बेहद अपमानजनक है, और वैसी स्थिति में क्रेमलिन के सामने दबाव 2 तरह का है, जिस मुल्क के पास सबसे अधिक न्यूक्लियर वेपन हो क्या वो इस दबाव में आकर बातचीत करने लगे, या फिर इसके आगे
क्योंकि क्रेमलिन के सामने दूसरी संकट यह है कि मान लीजिए अगर इन्होंने किसी तरह का टेक्टिकल वेपन या न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल किया तो वैसे भी रूस के पक्ष में अभी बहुत कम देश बचे हैं, तो कल के दिन में सभी देश रूस से किनारा कर लेंगे और पुतिन ऐसा करना नहीं चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके सामने स्थिति यह है कि इतिहास खुद को दोहरा रहा है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जहां आज लड़ाई हो रही है, यहां से ठीक 100 किलोमीटर दूर प्रोखोरोव का जगह है जहां पर कि टैंक का बैटल हुआ था जब जर्मनी और रूस के टैंकों के बीच लड़ाई हुई थी, उसी तरह की स्थिति यहां पर देखने को मिली है। अभी फिलहाल रूस का मकसद यह है कि कुर्स्क के इस इलाके से यूक्रेनियन सेना को पीछे हटाना और उसके बाद ही वो कोई बातचीत करेंगे। अभी मुझे नहीं लगता जब तक कुर्स्क में यूक्रेनियन सेना मौजूद है तब तक वो किसी बात पर बातचीत करेंगे। अगर उन्होंने बातचीत की तो फिर रूसी जनता ही क्रेमलिन के खिलाफ हो जाएगी। बिल्कुल, तो रूसी जनता ही क्रेमलिन के खिलाफ हो जाएगी अगर इस माहौल में इस मौके पर किसी तरह से बातचीत की टेबल पर आगे बढ़ा गया। इस बीच एक और बड़ी खबर, कुर्स्क के 90% इलाके पर यूक्रेन का कब्जा। ये बहुत बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं, न्यूक्लियर प्लांट तक पहुंच सकता है यूक्रेन। देखिए किस हद तक यूक्रेन अंदर बढ़ गया, 90% इलाका। ये खबर जानकर तो खुद व्लादिमीर पुतिन भी कितना आग बबूला होंगे, आप समझ सकते हैं। प्लांट के लिए रूस कर सकता है बड़ा हमला, कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट यहां पर भी हमला हो सकता है। जिस परमाणु खतरे का जिक्र हम कर रहे थे वो क्या बेहद करीब आ गया है, न्यूक्लियर प्लांट तक यूक्रेन पहुंच सकता है। प्लांट के लिए रूस कर सकता है बहुत बड़े हमले को अंजाम।